पूरा एपिसोड देखने के लिए Z5 ऐप डाउनलोड करें। फूजी, आपको क्या लगता है मॉम ने हमें ऐसे अचानक क्यों बुलाया? सब ठीक होगा ना? कहीं दीदा ने फोन करके सब कुछ बता तो नहीं दिया? मुझे आई जस्ट वांट टू नो, हम सेफ है ना? ऑफ कोर्स वी आर सेफ, तुम किसी भी चीज की फिक्र मत करो, मत सोचो कि क्या हुआ। मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगी, डोंट वरी। पूजी, वो जो मी का है ना, मेरे दिमाग में चढ़ी हुई है। पहले उसका वो स्टुपिड भाई और अब वो। शी इज स्पॉइलिंग माय डे। पूजी, तो स्पॉइल होने मत दो। क्या हुआ, क्या होगा, क्या कैसे होगा, डोंट थिंक अबाउट ऑल ऑफ दैट, ओके? और जिसकी बात तुम कर रही हो ना, उसकी जान अभी तक हमारी मुट्ठी में है। और दीदा, मैं संभाल लूंगी उन्हें। और मेहिका, जहाँ तक मेहिका की बात है, कोई नहीं जानता कि वो भाग गई है। जाके घर वालों से मिलो, रिश्तेदारों से टाइम स्पेंड करो, मैं देखती हूँ कि वो मेहिका कहाँ गई है। Let's go. चेंज करके आ गया तू? अरे यार, मैंने इसलिए चेंज किया ताकि एंड मोमेंट में कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं संभाल सकूं। यार, ये तीन आदमी ओल्ड लेडी को गाड़ी की डिक्की में क्यों डाल रहे हैं? ले ले, आगे ले। अबे, पुलिस कहाँ से आ गई? वैसे तो मैंने देखा है, देखा हो या ना हो, पर अभी उसे ये बुढ़िया दिखनी नहीं चाहिए, वरना हम पकड़े जाएंगे। हाँ ठीक है ठीक है, ऐसे रिएक्ट करें जैसे उसे हमने देखा ही नहीं हो। जल्दी कर। हेलो मैम, हमने उसे उठा लिया, हमारे साथ ही गाड़ी में बेहोश है। गुड, उन्होंने दीदा को बेहोश करके उठा लिया है। ओह गॉड, थैंक गॉड। मुझे, मैं मॉम के पास जाती हूँ, वरना वो डांटेंगी कि मैं इतनी देर गायब कहाँ थी। आई बी बैक सून, ओके? तुम उन्हें उठा के ले कहाँ जा रहे हो? अपनी जगह पे ले जा रहे हो ना? नहीं मैम, वहाँ नहीं ले जा सकते, पुलिस हमारे पीछे, उन्हें शक हो गया, अगर वहाँ गए तो पकड़े जाएंगे। तो क्या सड़क पर ऐसे ही चक्कर मारते रहोगे? उन्हें ऐसी जगह पे ले जाओ जहाँ पुलिस ना आ सके। ऐसी कौन सी जगह है मैम? अब ये भी मैं बताऊँ? काम पे जब आते हो तो अपना दिमाग के घर छोड़ के आते हो, अपना दिमाग लगाओ ना, कहाँ ले जाना है उन्हें। आप फोन रखिए, मैं कुछ करता हूँ। कुछ भी करो लेकिन पुलिस के हाथ मत आना, समझे? पुलिस अभी पीछे है, अभी ना देखे बता सकता हूँ, आगे से राइट ले ले अब। अरे जल्दी बता वो। अरे सोचने दे यार। अरे बोलना, एक मिनट रुकेगा। तो ये दादी है पल्लवी, ये आलिया और ये प्राची है, ये सहाना है, ये रणबीर सर और ये विक्रम सर। तुम इस फैमिली से नहीं हो ना? नहीं मैं नहीं हूँ, लेकिन आप लोग कौन है? कौन है तुम? अरे देख क्या रहे, जा जाके पकड़ उसको, अभी आधा घंटा बचा है मेरे पास। अरे जा, सबको बोल दी जा, जा। तुम सब लोग चौकने रहना और तुम ध्यान रखना कोई आना पाए, मैं संभालता हूँ उस लड़की को। अबे ये अल्लाह, रणबीर से बचने के लिए बोला था तो नहीं, ये बवाल कौन सा बीच में आ गया? जो भी हो, हमें तो बस अपना काम करना, थोड़ी देर और मिल जाए फिर देखना असली बवाल, फिर रणबीर कोहली हो या रणबीर कपूर, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अबे इस रूम में ले चलते हैं, अगर अंदर कोई हुआ तो। रुक, पकड़, पहले देखने दे। अबे संभाल इस बुढ़िया को। अच्छा कोई नहीं है, वे अकेले कैसे लाओ, इतनी भारी है, तू भी आगे हाथ लगा। कहाँ छिपाएं? उधर चलते हैं, उधर। ये बुढ़िया भी इतनी भारी है ना। आर्यन, रणबीर से मैं बात कर लूं।
क्या करें? चल 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 नहीं सो, इसको यहीं गिरा। बैठो। कुछ काम है, पहले बैठो तुम चुप करके। रणबीर, सिद्धार्थ और पंडित जी को लेकर यहां आ जाओ। लिसन मिस्टर जे, सब लोग मुझे जे कह के बुलाते हैं। मिस्टर जे, आप ये जो कर रहे हैं ना, ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। इन लोगों को कुछ नहीं मालूम है, लेकिन आपको तो पता होना चाहिए ना। और केमिस्ट्री स्टूडेंट होने के नाते मुझे मालूम है कि जो पाउडर आप मिक्स कर रहे हैं, इसकी स्मेल इतनी स्ट्रांग है किसी की जान भी जा सकती है। काम करते हैं, इसको लेके चलते हैं, हाथ पैर बांधते हैं और इसको छुपा देते हैं कहीं पे। ठीक है, है ना? गुड, चलो। शुरू करें? हाँ, चलो। पुलिस यहाँ पे क्या कर रही है? शायद बापा के दर्शन करने आए होंगे। अरे इंस्पेक्टर साहब, आप इतनी दूर क्यों खड़े? आइए, अच्छे से दर्शन कीजिए बापा के। आइए आइए आइए। पुलिस यहाँ क्यों आई है? कहीं मेहिका ने सब पता तो नहीं दिया? भाग भाग जाती हूँ, सामान पैक करने का टाइम नहीं है। ये सब पुलिस मेरा सच सबको बता दे, भाग जाती हूँ यहाँ से। पापा के दर्शन और पापा का प्रसाद तो मिल गया है, बस अब वो गुंडे भी मिल जाए जिन्हें ढूंढते ढूंढते हम यहाँ तक पहुँचे। कौन गुंडे? पता नहीं कौन है, लेकिन हमें शक है कि वो लोग कुछ कांड करके निकले हैं, इसलिए हम यहाँ तक आए हैं। तो ये उन गुंडों की बात कर रहे हैं, मेहिका की नहीं? कैसा कांड और क्या हुआ, क्या था? मैंने दो गुंडों को एक ओल्ड लेडी को गाड़ी की डिक्की में डालते हुए देखा था। सर, मेरे साथ चलो। क्या हुआ, काले दर है? पंडित जी प्लीज अंदर आ जाइए। अरे रणबीर, क्या हुआ बताना। चलता रहे। अरे रणबीर बताना। मुझे बताया क्यों नहीं मेहिका दिल्ली आ रही है? मेहिका यहाँ है? हाँ, तू ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहा है? देखो पता ही नहीं जैसे। नहीं नहीं, मुझे पता है वो दिल्ली आई हुई है, बट इससे ज्यादा मुझे पता नहीं है। तूने उसे रिया और आलिया भुजी के साथ देखा है? नहीं, किसी ड्राइवर के साथ देखा था। ड्राइवर? हाँ, कोई ऐसे ड्राइवर था अजीब सा, उसे ड्राइवर वाले कपड़े भी नहीं पहने हुए थे। वो कह रहा था कि उसका कोई बड़ा भाई है जो मेहिका का एक्चुअली ड्राइवर है, पर वो उस दिन आया नहीं, तो इसलिए रिप्लेसमेंट में वो आया, कुछ ऐसा था। मैं आया। तूने उन्हें कहाँ देखा था? कहाँ देखा तू उन्होंने? आपने आसपास के घर में पूछताछ की? डैड, ये पुलिस वालों के साथ आप क्या कर रहे हैं? रणबीर, एक्चुअली इंस्पेक्टर साहब दो गुंडों की तलाश में हैं और उन्हें डाउट है कि वो शायद हमारे घर पे हो सकते हैं, क्योंकि उनकी गाड़ी ठीक हमारे घर के बाहर पार्क है, तो वो बस चेक कर रहे हैं कि वो यहाँ है या नहीं। ये उन दोनों गुंडों की तस्वीर है, देखिए शायद आपने कहीं देखा भी नहीं।
मतलब मीका उन गुंडों के चंगुल से बाहर निकली और भाग के सीधा यहाँ चली आई। अच्छा किया। पर वो गुंडे भी मीका का पीछा करते करते यहाँ चले आए। अरे इन दोनों गुंडों को एक ओल्ड लेडी को गाड़ी की डिक्की में डालते हुए देखा था। I'm really sorry, Inspector साहब, but मैंने इनको कभी देखा ही नहीं है। बस स्टिल अगर हमें बाय चांस ये दिखाई देते हैं तो हम आपको बता देंगे। मैंने पूरा घर दिखा देता हूँ ताकि ये चेक कर ले। आइए इंस्पेक्टर। सर तो चल। दीदा के ऊपर थी, मतलब दीदा बेहोश होने के बाद इसमें आई या किसी ने ये चादर उनके बेहोश होने के बाद उनके ऊपर डाल दी। ओह गॉड, मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा हमारी दीदा के साथ ऐसे कौन कर सकता है। ज्यादा दिमाग मत चलाओ अपना, मम्मी जी को होश नहीं है। और प्लीज कुछ कर, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। एक सेकंड, तुम इस चादर के पीछे कुछ छुपा रही हो रही है। रिलैक्स इंस्पेक्टर, अभी तो इन्हें ठीक से होश भी नहीं आया है। मिस्टर विक्रम, आप समझ नहीं रहे, हमारे पास में टाइम नहीं है, हमें जल्द से जल्द पता लगाना होगा कि ये सब किसने किया है। अरे लेकिन सर, आप इनकी हालत देख रहे ना, इतनी वीकनेस है इनको अभी। हाँ और गला भी सूख रहा होगा ना इनका, बात कैसे करेंगे। मम्मी जी ठीक है आप, मैं पानी दूं। दीदा आपको कुछ याद है, आप बेहोश हो गई थी, कौन था यहाँ, आपको कौन लाया था, कुछ याद है आपको? आलिया और रिया, और रिया ए, रुको रिया, रिया आलिया, थोड़ा थोड़ा पानी दे दो। हाँ, मुझे हाँ। मम्मी जी आपने आलिया और रिया का नाम लिया, आलिया और रिया क्या? दीदा क्या वो यहाँ आपको लाई थी, आपको याद है? आप वहाँ गिरी हुई थी नीचे, बेहोश थी, आपको कुछ याद है कौन था? प्लीज बताइए। उन्होंने किया ये सब? मैं जानती हूँ, सब सच जानती हूँ मैं। सच? देखा, ऐसा होता है भाई बहन का प्यार, जितनी ज्यादा लड़ाई होती है प्यार भी उतना ही बढ़ता है। प्राची और मैं, हम दोनों भी सगी बहनें हैं, लेकिन कितना लड़ती हैं, कितना झगड़ती हैं। लेकिन प्राची को एक बात अच्छे से पता है कि मेरे दिल में प्राची के लिए बहुत प्यार है। प्राची तुम्हें याद है जब तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था तो मैं ऐसी सिचुएशन में थी कि तुम्हें बचाना मतलब रणबीर अपने प्यार को खो देना था। मैंने फिर भी तुम्हें बचाया। ऐसे ही होता है भाई बहन का प्यार, बहन बहन का प्यार। मैं और प्राची एक साथ रहे ना रहे, लेकिन मेरे दिल में प्राची के लिए हमेशा प्यार रहेगा। तो बस मिहिका के लिए भी सेम थॉट था मेरा। आफ्टर ऑल वो इस घर की बेटी है, तो मैं चाहती थी वो यही रहे आप सबके साथ। रिया, ज्यादा शहद भी है ना, एक टाइम के बाद कड़वा लगने लगता है। ये तुम मीठी मीठी प्यारी प्यारी जो बातें कर रही हो ना, उसे तुम्हारे काले कारना में छुप नहीं सकते। मैंने तुम दोनों को उन गुंडों के साथ देखा था।
मैंने तुम दोनों को मीका के साथ देखा है। डरी सहमी सी थी वो बिचारी, और तुम दोनों को कहते हुए भी सुना था उन गुंडों को कि मीका के ऊपर नजर रखना। जो भी वो सच बता दो मुझे, मैंने सब कुछ देखा था। आपने जो देखा वो सही था। लेकिन उसका मतलब गलत समझा। मिहिका, दिस इज योर फैमिली। मैं जानती हूं कि तुम पहले तो सबसे मिली हुई हो, पर दीदा से नहीं, राइट? रिया सही कह रही है। जो कुछ भी हुआ उसमें मीका का कोई दोष नहीं, और वो है तो हमारी फैमिली का हिस्सा है। जो भी है वो आप ही का खून है, इसी परिवार से, और उसे हमसे क्या ही चाहिए होगा। प्यार, अपनापन और परिवार, वो तो आप उसे दे ही सकती हैं। अगर आपने मुझे एक्सेप्ट किया है तो इसे भी तो कर सकती। दीदा, आप हमेशा क्या कहती रहती हैं कि इस घर में कोई बहू नहीं आती, बेटी ही आती है। आपने आपकी बहुओं को बेटियों से बढ़कर प्यार दिया है। ये तो फिर भी इस घर की बेटी है। दीदा, मुझे नहीं पता आज यहाँ हूँ कल शायद नहीं, लेकिन मैं चाहती कि आप मीका को अपनाएं और उसे वही प्यार दें, वही अपनापन दें जो मुझे दिया है। प्लीज दीदा, मेरे लिए। इधर आओ पुत्र। बस 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 पुत्र, बेटियां पांव नहीं छूती। वाओ, नाउ दैट्स व्हाट आई कॉल अ कंप्लीट फैमिली। सबके चेहरे पर एक स्माइल है। इसे तो कहते हैं परिवार का सुख, सबकी खुशी में ही अपनी खुशी होती है। तो मिहिका, अब तुम्हें दीदा ने अपना भी लिया है और अब तुम इस घर का हिस्सा हो, तो मैं तुम्हें एक बहुत बड़ी खुशखबरी देना चाहती हूँ। आर यू रेडी फॉर इट? तुम्हारा भाई सिद्ध और मेरी प्यारी बहन प्राची की अगले हफ्ते शादी होने वाली है। और इस ट्यूसडे एंगेजमेंट भी है। नाउ दैट कॉल्स फॉर अ सेलिब्रेशन। वाह, मुझे नहीं मालूम था कि पहले दिन आते ही इस घर में ऐसी गुड न्यूज मिलेगी। मुझे तो हमेशा से ही अच्छा लगता था जब सिद्ध भाई के मुंह से प्राची की तारीफ सुनती थी। अरे मिहिका, आई एम वेरी वेरी हैप्पी कि तुम यहाँ हमारे पास हो। हाँ मिहिका, मैं भी तुमसे बहुत खुश हूँ। यू नो व्हाट, यू हैव नो आइडिया कि तुम मेरे लिए क्या हो। तुम मेरी खुशी हो, तुम मेरी जिंदगी हो, यू जस्ट एवरीथिंग। तुमने मेरे लाइफ में सब कुछ आसान कर दिया है मिहिका, यू जस्ट। हमारी वजह से तो सिद्ध हमारी मुट्ठी में है। सिर्फ तुम्हारी वजह से हम सिद्ध को अपनी उंगलियों पे नचा सके। मैंने हमेशा देखा है कि भाई बहन के काम आता है, लेकिन पहली बार है कि बहन अपने भाई के काम आई है। गुड। लेकिन ये बहन कुछ स्पेशल है। हमारी प्यारी मिहिका अलग है, शी इज डिफरेंट। देखो ना बूजी, इसकी स्टार्स इतने अच्छे हैं कि इसके आते ही हमारी किस्मत पलट गई। जो काम हम सालों तक नहीं कर पाए, इसके आते ही सब कुछ बदल गया। आई विश मिहिका, हर किसी को तुम जैसी बहन मिले।
प्राची जैसी सगी बहन है, तुम्हारे जैसी सौतेली बहन हर किसी को मिलनी चाहिए, राइट बुजी? प्लीज मुझे जाने दो। आर यू क्रेजी इन द हेड? ऐसे कैसे जाने दो? अभी तो तुम्हें एंगेजमेंट अटेंड करनी है, उसके बाद संगीत पे तुम डांस भी करोगी। कैसे डांस करोगी दिखाओ, कैसे डांस करोगी ऐसे? उसके बाद मेहंदी भी लगवानी है प्यारी प्यारी। मेहका तुम समझ नहीं रही हो, तुम्हें शादी की जान हो मेरी जान, एंड दिस वेरी मोमेंट आई लव यू मोर देन रणबीर। मेहका सौतेले भाई बहन का प्यार बिल्कुल रियल लग रहा है ना बूजी? ए, तुम चिप्स खा रहे हो? अभी से पी तो सकते नहीं, खाऊंगा ही ना। अरे मतलब ऐसी सिचुएशन में कोई खाने की सोच भी कैसे सकता है? मतलब कि प्राची रणबीर परेशान है, उन्हें अपनी लाइफ का था पता नहीं है, उनको भूख प्यास नहीं लगी, और तुम यहाँ बड़े मजे चिप्स। तुम्हें पता है प्राची भी क्या बोल कर गई? अजीब अजीब बातें करी थी, जिसको जो करना है वो करे, नहीं करना है ना करे, शादी करवाए ना करवाए। मुझे ना कुछ समझ ही नहीं आया वो क्या बोल रही थी। अरे ये सब ना ठीक नहीं हो रहा है, जो नहीं होना चाहिए वो हो रहा है, जो होना चाहिए वो कोई होने ही नहीं दे रहा है। ये इंसान के चाहने या ना चाहने में किसी एक की चाहत होती है, और अगर चाहे तो क्या हुआ? अरे प्राची की तो छोड़ो, मुझे तुम्हारी बात समझ में नहीं आ रही यार, क्या कह रही हो तुम? तुम सारे मर्द ना ऐसे ही होते हो, औरतों के दिल की बात समझ ही नहीं पाते हो। तुम तो औरत हो ना, तुम समझाओ जरा प्राची ने क्या बोला अभी, समझ में आया? नहीं ना। इसे लाओ इधर और जाओ जाके चेक करो कि रणबीर क्या कर रहा है। वो भी ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहा है, अजीब अजीब हरकतें कर रहे हैं या नहीं, जाओ चेक करो और बताओ मुझे, रिपोर्ट करो। जी मैडम, रिपोर्टिंग मैम बताता हूँ। कहीं का जंगली है क्या वो, पागल है क्या? कभी नहीं देखती कौन बैठा है आगे, कौन नहीं बैठा, किसके सामने क्या बोलना है, किसके सामने क्या नहीं बोलना है। एक बार नहीं सोचती कि सामने वाले को कितना बुरा लग सकता है। पर यू नो व्हाट, मुझे फर्क नहीं पड़ता, कुछ जो सोचता है सोचे, आई जस्ट डोंट केयर। प्राची मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, प्लीज यहां से चली जाओ। इनफैक्ट तुम्हें पता, तुम्हारी दुल्हन का जोड़ा ना मैं, उन्हें बताया क्यों नहीं तू है? मैं तू बोलने देगा तब बताऊंगा ना, नॉक करते नॉकआउट करने वाला था तू मुझे। यार समझ में नहीं आया था मुझे एक्चुअली वहां पे। यार भाई मेरे को समझाएगा, चल क्या रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। यार देख ऐसे, एक सेकंड, तू चिप्स खा रहा है? यार सबको इतनी प्रॉब्लम क्या यार मेरे चिप्स खाने से? यार किसी का दिमाग खाने से बेटर ना कि चिप्स खा रहा हूँ, खाने दे मुझे, भूख लगी है। यू आर राइट एक्चुअली, मैं भी तेरा दिमाग नहीं खाऊंगा, मैं भी चिप्स ही खाऊंगा। कौन सा क्रीम है ना, नहीं टमाटर, ठीक है, गलत बात है यार। अब मेरी पसंद का फ्लेवर है तो मैं वही लाऊंगा ना यार, इसमें गलत बात क्या है? अरे फ्लेवर की बात नहीं कर रहा हूँ यार, प्राची की बात कर रहा हूँ। मैं प्राची से बात करने गया, मैंने उससे बात करी और उसने कुछ भी सोचे समझे बिना ना मेरे को कुछ ना कुछ बोल दिया है, और उसकी बात का मुझे हमेशा हर्ट हो जाता है, तेरे को पता है बात। मुझे ना बहुत गुस्सा आ रहा है, मैं सोच रहा हूँ देख, अगर उसको मेरी परवाह नहीं है ना तो मुझे भी उसकी परवाह नहीं करनी है। आई जस्ट डोंट केयर, किसी को शादी करनी है करे, किसी को शादी नहीं करनी है ना करे, मेरी बला से आई डोंट केयर। तुम्हें पता है प्राची भी क्या बोल कर गई? अजीब अजीब बातें करी थी, जिसको जो करना है वो करे, नहीं करना है ना करे, शादी करवाए ना करवाए। यार अब रिपोर्ट क्या दूं मैं शाना को, कि दोनों तरफ आग बराबर की लगी है, सब बदल गए? सब बदले नहीं आ रहे, सब ना लाइफ में क्लियर हो गया। अब तो एक सिंपल सी बात बता मुझे, मम्मी क्या चाहती है? कि प्राची और सिर्फ की शादी हो। अगर मम्मी ये चाहती है तो मैं कौन होता रोकने वाला यार, और वो शादी करे ना करे, आई जस्ट डोंट केयर भाई, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता। ऑनेस्टली प्राची जो करना चाहती है करे यार, मुझे फर्क नहीं पड़ता, आई जस्ट डोंट केयर, आई डोंट केयर। रणबीर अरे सबको फर्क पड़ना बंद करेगा तो प्यार कौन करेगा यार? देखिए मम्मी जी, आप ये बात तो मानती है ना कि रिया सबकी नजरों में अच्छी बहू बनने की कोशिश कर रही है, तो एक बात बताइए, जिस काम से उसकी तारीफ हो वो काम करने से वो मना क्यों करेंगी? क्या वजह हो सकती है उसके पास? मिलता हूं आपसे। रणबीर तू अचानक वहां से चला आया, तू ठीक तो है? हाँ मैं ठीक हूं ना, I'm okay। कितने रूड है लोग यार आजकल। जब कोई जैसे को तैसा देता है ना, वो लोगों को रूढ़ी लगता है। आदर डलवा लो, क्योंकि मेरे जैसे और बहुत मिलेंगे। ज्यादा
समझ में आ रहा है क्या? सबके मोबाइल छीन लो, सब अपना अपना फोन दे दो, जैसे ही काम होगा तुम लोगों को वापस मिल जाएगा, ठीक है? चलो लाओ फोन लाओ, चलो 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 साइड साइड फोन, चलो फोन दो, दे दो जल्दी करो, टाइम नहीं है अपने पास। चल भाई फोन ला, चल फोन ला, अरे ला फोन यार, ला फोन। रिक्वेस्ट नहीं करूंगा, चल निकाल फोन। मोबाइल छोड़ वरना प्राण शरीर से छूट जाएंगे। रणबीर दे दे फोन, मुत्तर दे दे। रणबीर दे दो फोन। रणबीर क्या कर रहे हो, फोन दे दो। तीन तक गिनूंगा, एक दो। रणबीर समझ में नहीं आ रहा तुम्हें, ये लो। गुड, अब फोन मिल गया ना तुम लोगों को, हाँ सबके फोन मिल गया ना, अब तो चाकू हटा लो, मुझे दर्द हो रहा है। जानबूझ के तो लगाया ताकि पता चले कि चुभने पे इतना दर्द होगा तो घुसने पे कितना दर्द होगा। तुम्हें शर्म नहीं आती? दीदा बुजुर्ग है, मैं दर्द हो रहा है, छोड़ दो उन्हें। क्या कर रही हो प्राची, लड़ोगी तुम उससे? पूछी प्लीज चुप रहे आप। तू चुप रहे, हटा लो चाकू, मुझे दर्द हो रहा है। लातों के भूत बातों से नहीं मानेंगी। तेरी इतनी हिम्मत, मेरे लोगों के पास बंदूक है, मेरे हाथ में चाकू है, फिर भी तूने मुझे थप्पड़ मारा, मरना है क्या? मरने से डर नहीं लगता मुझे, लेकिन दीदा के मुंह से आग की आवाज आई ना तो जान से मार डालूंगी तुम्हें। मनीष बता इसे, मौत जब सर पे नाचती ना तो कैसा लगता है, जल्दी। अरे आप क्या कह रही हो तुम, मीका इन्हीं लोगों के बारे में कह रही थी कि उसने किचन में इन्हीं लोगों को देखा था, किचन और पाउडर का पता नहीं क्या करते हुए। तो मुझे क्या बोल रहे हो आप भी तो वही थे ना, आपने भी तो सुना था, तो सुनिए क्या किया आपने। तुम अपनी बात करो, जब उसने ये सब कहा तो कैसे करके हंस रही थी। आप भी तो हंस रही थी, मीका यूर वेरी बैड स्टोरी टेलर, ये कर रही थी ना आप। पता था क्या होने वाला है, लेकिन फिर भी ओवर कॉन्फिडेंस जो भरा हुआ है। अपनी बात करो तुम, रिया मजाक बना रही है तुम उसकी बात का। वो मुझे, इट वाज यू, आपने उसकी बात को सीरियसली नहीं लिया था, मजाक कर रही थी, हंस रही थी आप। आपको देखकर मैं हंस पड़ी, दैट इज द ओनली डिफरेंस। मुझे भी हंसी आ गई, अगर आपने थोड़ी सी भी सीरियसनेस दिखाई होती ना तो मैं भी सीरियस हो जाती। ओके, तुम्हें हर बात मुझे देखकर क्यों करनी होती, तुम अपनी भी अक्ल लगा सकती हो ना। तो आप बड़ी है ना, आप ही तो कहती है कि हमेशा मेरी बात माना करो, कभी सवाल मत किया करो, तो वही तो कर रही थी, आपको फॉलो कर रही थी। जस्ट एक्सेप्ट इट, ये सब आपकी गलती है। कुछ भी गड़बड़ होता ना सब मेरी गलती होती है, देखा मैं आपकी बात मान रही थी। देख ले अपनी आंखों से, मीका तुम दोनों को फोन कर रही थी, पर तुमने उसी का मजाक बनाया, और अब देख लो। अरे उसकी बात अगर मान लेते ना तो जो पूरी फैमिली का प्रॉब्लम आई और टाली जा सकती थी, पर नहीं, तुम किसी एक की भी सगी हो, जिस फैमिली के साथ रहती हो, जिस फैमिली का खाती हो, उसी फैमिली के साथ। मुझे लेक्चर देने से पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखो, इस घर ने तुम्हें क्या कुछ नहीं दिया, प्यार काम इज्जत सब कुछ। तुमने क्या किया इस घर के बेटे की बीवी के साथ, ये नाजायज रिश्ते। अपनी आवाज और नजरे दोनों अपनी औकात में रहकर बात करो, वरना मैं तुम्हें। ए, ए, तुम दोनों लड़ना बंद करो यहाँ पर। मैं बाहर देखकर आती हूँ सिचुएशन क्या है और कौन कौन रह गया है बाहर। दोबारा मुझसे ऐसी बात मत करना, बीवी नहीं हूँ तुम्हारी। शादी जरूर हुई थी एक टाइम पे, लेकिन वो वक्त तुम्हारे लिए बहुत अच्छा था, तुम्हारी अच्छी किस्मत चल रही थी जो तुम्हें मुझ जैसी लड़की मिली, विद गुड हाई स्टैंडर्ड्स जो तुमसे कई बढ़कर है। पर मेरी किस्मत खराब थी, वरना मैं तुमसे तो कभी शादी नहीं करती। ये तो अच्छा हुआ कि मुझे रणबीर दिख गया, और मुझे एक आइडिया आया, मैंने तुम्हारा इस्तेमाल किया। थैंक गॉड तू आ गई भगवान की तरह, मैं ना इस पे अपना दिमाग और नहीं खपा सकती। मेरे पे दिमाग खपाएगी, इसके पास खुद का दिमाग है खपाने के लिए, अपनी थोड़ी सी अकल इसको दे दो ना। तुम दोनों को ना नसीहत की जरूरत है। अरे वाह, तुमने
पे यहाँ लड़ोगे तो उनसे कौन लड़ेगा? मैं तो लड़ी रही थी लेकिन किसी ने बीच में टांग अड़ाई, वरना और लड़ लेती। जिसे टांग अड़ाई ना उसने तुम्हारी जिंदगी बचाई है। तुम्हारा अगर एक्ट सोलो चलता रहता ना वहाँ पे तो हम सब आज मर चुके होते। टांग अड़ाने से अच्छा थोड़ा दिमाग ही इस्तेमाल कर लेते। दिमाग होता ना तुम्हारे पास तो तुम ऐसे रोकते नहीं। मोबाइल देने में क्या ही प्रॉब्लम थी? नहीं सोने का मोबाइल है, क्यों नहीं दिया तुमने? बच्चे की तरह, जैसे एक बच्चा बोलता है ना कि मेरी चॉकलेट नहीं दूंगा नहीं दूंगा, वैसे मोबाइल। छोटा बच्चा हाँ, तुम खुद जो कार्टून देखते हैं ना वो सामने वाले को छोटा बच्चा नहीं बोलते। तुम्हें क्या लगता है ये टॉम एंड जेरी का खेल चल रहा है? हाँ, कि तू गुंडे वहां से ये करेंगे और तुम वहां से ये करोगी। तुम्हारे अंदर थोड़ा सा दिमाग है कि नहीं है? नहीं है, पर जिगर है, दिल है, हिम्मत है। दिल है तुम्हारे पास? दिल? अगर तुम्हारे पास दिल होता ना तो तुम समझती कि सामने वाली की फीलिंग्स क्या है। तुम घुमा फिरा के वहीं पर मत आओ। दिल की बात कौन कर रहा है, फीलिंग्स की बात कौन कर रहा है? जिसके पास फीलिंग्स ही नहीं है, प्यार का मतलब पता ही नहीं है। मुझे प्यार का मतलब नहीं पता है? किया होता ना तो पता होता। देखियो कैसी बातें कर रही तुम्हारी बहन मुझसे। मैं प्यार करना नहीं जानता। क्या हुआ तुम्हें? चुप करोगे तुम दोनों की? नहीं, अगर तुम दोनों के पास नहीं, अगर गुस्सा आ भी रहा है तो आपस में नहीं, उन गुंडों से लड़ो जाके ना, और एक दूसरे के अगेंस्ट नहीं, उन गुंडों के अगेंस्ट लड़ो। तुम्हें पता है वहाँ से सब भाग गए हैं, सिर्फ पल्लवी आंटी और विक्रम अंकल ही बचे और कुछ गेस्ट है वहाँ पे। हाँ हाँ तू सही कह रही है, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। चल। कैसे मदद करेंगे? थप्पड़ मार के? नहीं, गोली मार के। कैसे यार, क्यों से? Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।